Hi friends, welcome back again. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लैक ब्यूटी और स्टाइल में तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को टू स्टेप में ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे अपना करके आप लोग अपने बालों को बहुत ही ज्यादा काला घना लंबा और खूबसूरत कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक लोहे की कढ़ाई जिसमें मैंने एक ग्लास पानी ऐड किया है अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसमें भी इसे बना सकते हैं अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो फिर आप किसी लोहे के दूसरे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फेनोग्रिक सीड यानी कि मेथी दाना मेथी दाना में आयरन जो होता है ना वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है अगर आपके बाल झड़ रहे हैं टूट रहे हैं या फिर आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की इस रेमेडी को आप फॉलो कर लीजिए आँख बंद करके कुछ ही दिनों में आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और आपके बालों का झड़ना टूटना भी बंद हो जाएगा और ये सब कुछ आपको मिलेगा पहले इस्तेमाल से तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मैंने मेथी दाना लिया है दो चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है अब सेकंड जो इन्ग्रीडियंट है फ्रेंड्स वो है चावल सफ़ेद चावल का इस्तेमाल यहाँ पर किया मैंने आप भी सफ़ेद चावल का ही इस्तेमाल कीजिएगा तीन से चार चम्मच आपको चावल लेना है और दो चम्मच मेथी दाना अब इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जितनी भी धूल मिट्टी और गंदगी है वो सभी बाहर निकल जाए इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आप लोग पहले इस्तेमाल से ही अपने बालों का झड़ना गिरना टूटना बंद कर सकते हैं पहले इस्तेमाल में आपको देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आपके बालों की जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपको ये नज़र आने लगेगा तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद एक ग्लास पानी में हमने इसे भिगो दिया है अब इसे ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे ढक के ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक दिन पहले तैयारी करनी है सेकेंड डे इसको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरी रात रखने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके का हो गया मैंने कहा था ना आप सभी से कि आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है इसलिए यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ले गई है और मेथी में भी आयरन की मात्रा भरपूर होती है और आयरन मजबूती का प्रतीक है आपके बालों में भी अगर आयरन की कमी होती है तो वो बहुत ही जल्द झड़ने टूटने और गिरने लगते हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि हम इसे छान रहे हैं ठीक इसी तरीके से आपको भी छान लेना है मेथी जो है ना उसमें आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है इसलिए जब आप मेथी से बना कोई भी हेयर टोनर हो गया या फिर हेयर पैक हो गया अपने स्कल्प पे लगाते हो अपने बालों पे लगाते हो तो आपकी स्कल्प की जो स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है और इस वजह से आपके जो बाल हैं ना वो जड़ से झड़ना टूटना बंद हो जाती है क्योंकि वो आपके बालों को और भी मजबूती से हक कर लेता है आई मीन आपका जो स्कैल्प है ना वो आपकी बालों की जड़ों को और भी मजबूती के साथ पकड़ लेता है इस वजह से आपके बाल जड़ चर से झड़ना टूटना बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारा ब्लैक मैजिक वाटर तैयार है अब इसके अंदर हमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा मदद करता है और वो है विटामिन ई यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैंने विटामिन ई की कैप्सूल ली है विटामिन ई की मात्रा जब भी हमारे बॉडी में कम होती है तो हमारे बाल झड़ने टूटने और गिरने लगते हैं तो यहाँ पे आपको विटामिन ई की कैप्सूल लेनी है मैंने यहाँ पे एक ही ऐड किया आप यहाँ पे दो से तीन तीन कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं और विटामिन ई e के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बना रखी है जिसमें डिटेल में मैंने बताया कि ये आपके बालों के लिए किस तरीके से वर्क करता है कितना बेनिफिशियल होता है क्या क्या फ़ायदे हैं विटामिन ई e के आपके बालों के लिए तो अगर आप चाहें तो उसे वॉच कर सकते हैं वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा अब ये प्रिपेयर हो गया है लगाने के लिए तो लगाने के लिए आसान बनाने के लिए आपको एक बॉटल लेना है स्प्रे बॉटल और उसमें आपको इसे ऐड कर देना है या फिर किसी भी ऐसे बॉटल में आप इसे भर लीजिए जिससे आपको इसे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो अप्लिकेशन जो है वो ईजी हो जाए तो कुछ इस तरीके से आपको अपने बालों में इसे स्प्रे करना है इसे आपको अपने पूरे बालों की लेंथ पे लगाना है यानी कि जड़ से ले सिरे तक आपको इस पानी का इस्तेमाल करना है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं इस वाटर को तो आप इसे अपने बालों को वॉश भी कर सकते हैं बट अगर कम मात्रा में तो इस तरीके से आप स्प्रे कर लीजिए जड़ से सिरे तक स्कल्प पे जरूर लगाइए क्योंकि अगर आपके बाल जड़ से झड़ रहे हैं गिर रहे टूट रहे हैं तो स्कल्प पे लगाने से आपके बाल झड़ना टूटना बंद होंगे जड़ से और लगाने के बाद आपको हल्का हल्का सा मसाज कर लेना है सर्कुलेशन मोशन में जिन लोगों को हेयर पैक हेयर मास्क लगाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है आप चाहें तो इसे नाइट में सोते समय लगा करके अच्छे से मसाज करके सो जाइए और सुबह में आप शैम्पू कर लीजिए या फिर शैम्पू करने से एक घंटे पहले लगा लीजिए अब ये जो मटेरियल बचा हुआ है फ्रेंड्स इससे हम एक मैजिकल हेयर पैक बनाएंगे जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है राइस के बारे में आपको पता ही है कि राइस वाटर का इस्तेमाल हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है कितना फ़ायदेमंद है ऑलरेडी मैंने बहुत बार राइस वाटर पर आप सभी के साथ वीडियो शेयर की है और इसके साथ फेनोग्रिक सीड आ गया है तो भाई कमाल होने वाला है साथ ही में हमने लिया है एलोवेरा लीफ फ्रेस एलोवेरा लीफ लिया है इसे कट करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था ताकि जो येलो कलर का इसका पदार्थ है वो बाहर निकल जाए आपकी स्किन के लिए आपके हेयर के लिए वो नुकसानदायक होता है पहली वीडियो में मैंने बताई थी वीडियो वॉच नहीं की है तो जाके वॉच कीजिए आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए तो कट करके लीफ को उसमें से एलोवेरा जेल आपको निकाल लेना है अगर आप सोच रहे हैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल ऐड करने के लिए तो एलोवेरा जल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो आप केवल फेनोक्रिक सीज और चावल का अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लीजिएगा थोड़ा सा पानी ऐड करके लेकिन अगर एलोवेरा का इस्तेमाल करना है तो आपको फ्रेश एलोवेरा जल लेना है इस तरीके से लीफ वाला और अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है क्योंकि हमें इसका एक फाइन सा पेस्ट चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ ये किस तरीके से तैयार हो चुका है तो अब आप इसे अच्छे से एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे निकालने के बाद आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई करना है एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बालों में इसे अप्लाई कर रहे हो पूरे लेंथ पे अगर आप लेडीज़ हो और पूरे लेंथ पे अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी ज्यादा लगेगी हल्का सा टाइम ज्यादा लगेगा बट जब आप इसे अप्लाई करोगे और उसके बाद जब इसे वॉश करोगे नॉर्मल वाटर से पहले वॉश कर लेना तो आपके बाल जो है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और साइनी लगेंगे और इस रेमेडी को कोई भी लगा सकता है कोई जेंट्स लगा सकता है कोई लेडीज लगा सकती है कोई बच्चा भी लगा सकता है लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेस्ट है ना वो थोड़ा सा टाइट हो गया है तो इसका जो हमने वाटर प्रिपेयर किया था वो वाटर इसमें हम ऐड करेंगे और इसे और भी ज़्यादा स्मूथ कर लेंगे ताकि इसका जो अप्लीकेसन है ना वो काफ़ी ईजी हो जाए तो यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि मैं इसमें थोड़ी थोड़े करके वाटर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था केवल कि फेनोग्रिक सीड में एलोवेरा जेल और राइस ही था इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है आप लोग जब इसे मिक्सी में ग्राइंड करिएगा तो आप इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा भी रहने दीजिएगा जिससे कि आपका जो पेस्ट है ना वो काफ़ी स्मूथ बनेगा बट मैंने सारा पानी बाहर ही रख लिया था इसीलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो गया पर प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हम फिर से लूज कर लेंगे स्मूथ कर लेंगे जिससे कि इसका जो अप्लीकेशन है ना वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाए इसके बाद आपको इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेना है मैंने आपसे कहा था कि इसे कोई भी लगा सकता है बच्चा भी लगा सकता है एक तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी सिस्टर को ये हेयर पैक लगा रही हूँ क्योंकि ये जिद करती है कि मुझे अपने लंबे बाल रखने हैं और स्कूल जाने की वजह से इसके बाल हमेशा कट करा दिए जाते हैं तो इसे अपने बालों को लंबा करना है इसलिए आज ये अपने बालों पे ये पैक लगवा रही है तो इस तरीके से आपको इसे अप्लाई कर लेना है अप्लाई करने के बाद आपको इसे कम से कम एक घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है और आप यहाँ पे सावर कैप का इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि ये जो फेनोग्रिक सी का पैक है ना वो अकड़ ना जाए तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही अच्छे से इसे लगा दिया है अब जो थोड़ा सा बचा हुआ हेयर पैक है वो मैं अपने बालों पे अप्लाई करूँगी क्योंकि ये जो हेयर पैक है ना इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं ये आपके हेयर फॉल को बहुत ही अच्छे से फर्स्ट इस्तेमाल में ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये वेस्ट हो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये तो इस तरीके से मैंने भी इसे अप्लाई कर लिया है और केवल एक घंटे के बाद पहले नॉर्मल वाटर से वॉश करना है उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है तो आप सब देख सकते हो फ्रेंड्स की रिजल्ट जो भी है आपके सामने है मेरे बाल कितने सिल्की स्मूद और सॉफ्ट लग रहे हैं इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको हफ्ते में एक बार करना है और अगर आप केवल टोनर का इस्तेमाल कर रहे हो तो हफ्ते में दो से तीन बार आप टोनर को लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं टोनर का एप्लीकेशन आपको रात को सोते समय कर लेना है और सुबह उठकर के आपको शैम्पू कर लेना है इस तरीके से अगर हफ्ते में दो से तीन बार आप टोनर का इस्तेमाल करते हो तो भी आपके बालों पे मैजिकल वर्क करेगा और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टोनर और पैक दोनों को वीक में एक या दो बार लगा सकते हैं ये थी आज की वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पे प्राप्त हो सके मैं मिलूंगी आप सभी से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर